सो सोहेगा गाइस आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बताएंगे कि जियो प्लस प्लस से ई के वाई सी के मदद से न्यू जियो सिम चालू कैसे करेंगे इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे अगर आप न्यू जियो सिम चालू करते हैं ई के वाई सी से और आपका कुछ इस तरह का एरर आ जाता है और ई के वाई सी से किसी भी कस्टमर का न्यू जियो सिम चालू नहीं कर पाते हैं तो इसकी भी हम सोल्यूशन बताएंगे कि कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं और दोबारा न्यू जियो सिम चालू कर सकते हैं तो सारी जानकारी आपको डिटेल में देंगे तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप माई जियो अपने एप्लीकेशन को यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग करेंगे उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ जियो आधार ई e के पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद मोबिलिटी सेलेक्ट करके आपको डॉन पर क्लिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपके आधार कार्ड का फोर डिजिट का लास्ट का शो होगा उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आई एग्री एंड कैप्चर पर क्लिक करना है इसे क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल के साथ एक फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट करना होगा तभी आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर कर पाएंगे नहीं तो आपका कुछ इस तरह का एरर आएगा तो चलिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल पर फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर मेरा फिंगरप्रिंट डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है उसके बाद आई एग्री एंड कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट का लाइट जलने लगेगा उसके बाद आपको अपना थम लगाना है मतलब जो रिटर है उनको अपना थम लगाना है थम यहां पर आपका सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए बोल रहा है तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं नहीं तो कस्टमर का वर्चुअल आई से भी न्यू सिम चालू कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कस्टमर का उधर कोई कनेक्शन है अगर है तो ये पर क्लिक करेंगे मतलब कस्टमर के पास ऑलरेडी कोई सिम कार्ड है तो ये पर क्लिक करेंगे नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का लाइव फोटो लेना है कस्टमर का लाइव फोटो यहां पर कौन कैमरा से लेंगे फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से तो हमको अभी बैक कैमरा से लेना है तो यहां पर बैक कैमरा सेलेक्ट करेंगे और हां कस्टमर का लाइव फोटो जब भी लेंगे उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए तभी यहां पर कस्टमर का फोटो कैप्चर होगा और अपलोड होगा अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं होता है तो यहां पर कस्टमर का लाइव फोटो अपलोड नहीं होगा तो सबसे पहले आपको देखना है वाइट बैकग्राउंड उसके बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है प्लस के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से कस्टमर का लाइव फोटो ले सकते हैं इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए उसके बाद आपका चारों पट्टी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तभी कस्टमर का फोटो कैप्चर कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर चारों पट्टी ग्रीन हो चुका है उसके बाद यहाँ कैप्चर पर क्लिक करेंगे यहां पर कस्टमर का लाइव फोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है उसके बाद यहाँ कट के निशान पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ आई एंग्रे एंड कैप्चर पर क्लिक करेंगे आपके फिंगरप्रिंट का लाइट जलने लगेगा उसके बाद कस्टमर का फिंगर लेना है यहाँ पर कस्टमर का फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नेम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फ़ादर्स नेम उसके बाद यहाँ पर एक कस्टमर का एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है ये मोबाइल नंबर कहाँ का है मतलब घर का है या अपना मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उसके बाद नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा न्यू सिम एक्टिवेशन करेंगे तो इसको सिलेक्ट रहने देंगे अगर आप एम करेंगे तो एम को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ प्रीपेड पर क्लिक करेंगे प्रीपेड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी एफ आर सी प्लान शो होने लगेगा तो कस्टमर को जो एफ आर सी प्लान आपको देना है उस एफ आर सी प्लान को यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं एफ आर सी प्लान को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोई नंबर डालने के लिए बोल रहा है तो आपको यहाँ पर कोई भी एक से पाँच तक नंबर डाल देना है उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद आप जिस सिम को कस्टमर को देंगे उसका क्यू आर कोड को स्कैन करना है चालू करने के लिए तो स्कैन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद कस्टमर का सिम को कुछ इस तरह से आपको स्कैन कर लेना है स्कैन करने, करने के बाद कस्टमर का सिम का सभी तो करना है डिटेल्स वेरीफाई बाई कस्टमर पर आपको यहाँ क्लिक करना है उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का लास्ट का फोर डिजिट शो होगा मतलब का फोर डिजिट शो होगा तो यहाँ पर एजेंट को अपना फिंगर प्रिंट लेना है इसके लिए आपको आई एग्री एंड कैप्चर पर क्लिक करना है आपके मोबाइल के साथ फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए तभी आपका फिंगरप्रिंट का लाइट जलेगा तो लाइट जलने से आपको अपना फिंगर लगाना है आपका फिंगर जैसे सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का, का फोर डिजिट लास्ट का शो होने लगा है उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आई सी नंबर डालना है मतलब कस्टमर को जिस सिम को देंगे उसका लास्ट का आपको फाइव डिजिट नंबर यहाँ पर डालना है आई सी सी आई डी का मान लीजिए लास्ट से आपको छः गो नंबर लेना है आई सी सी आई डी का उसके बाद लास्ट का जो एक अंक है उसको बाद दे देना है उसके बाद बीच का आपको पाँच अंक डाल देना है पाँच अंक डालने के बाद यहाँ पर आई एग्री एंड कैप्चर पर क्लिक करना है आपका फिंगरप्रिंट का लाइट जलने लगेगा उसके बाद कस्टमर को फिंगर लगाना है कस्टमर का फिंगरप्रिंट जैसे सक्सेसफुली ले लेगा उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का सभी डिटेल सर्वर पर अपलोड होने लगा है आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है थोड़ी देर वेट करना है उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको रिचार्ज करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ कैश पर क्लिक कर देना है कैश पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डन पर, पर क्लिक करना है डन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका तो तो रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका सिम तुरंत ही यहाँ पर चालू हो जाएगा अगर आप किसी कस्टमर का ई के वाई सी से सिम चालू करते हैं उसका फिंगरप्रिंट लेके और आपका कुछ इस तरह का एरर आता है और कस्टमर का सिम चालू नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि कस्टमर का फिंगर प्रिंट यहाँ पर सही से मैच नहीं होता है अगर दो चार बार इसी तरह से फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर आपका शुरू से फिर से आपका वही प्रोसेस करना होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रिवर्स हो जाएगा और शुरू से आपका प्रोसेस करना होगा न्यू सिम एक्टिवेशन करने के लिए तो आपका सबसे अच्छा होगा कि जो डिजिटल के वाई सी के मदद से ही आप उस कस्टमर का सिम एक्टिवेशन करें जो आप पुराना तरीका था आपका जो डिजिटल के वाई सी से सिम चालू करने का उसी प्रोसेस से आप इसका सिम चालू कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कस्टमर का सिम सक्सेसफुली चालू हो जाएगी अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि जियो डिजिटल केवाईसी के मदद से न्यू सिम चालू कैसे करेंगे तो इसका कम्प्लीट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक कॉल में कर दीजिए इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए